विद्यार्थी मित्रांनो, आपले यूट्यूब चैनल मध्ये स्वागत। जर आमचे चैनल आपल्याला चांगले वाटत असाल तर वीडियो शेयर करा, लाइक करा आणि आमच्या चॅनलला सब्सक्राइब करा। आज हम शेख मोहम्मद इनकी लिखी गई संत वाणी वो पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। संत शेख मोहम्मद, 17वें शतक। संत कवि संत शेख मोहम्मद यानी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषात काव्य रचना केली। रूप के भारुडे, अभंग इत्यादि सुमारे 300 स्फुट कविता त्यांनी लिहिल्या आहे। योगा संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत। प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे, तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केलेले आहेत। केकतीला काट्याचे वेडे, भित्री निबजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाडे, परोपकारालांगी। केकतीला काट्यांचे वेडे, केकटी को काटों ने घेर कर रखा है। भित्री निबजती केवड़े यानी अंदर केवड़ा जन्म लेता है। तैसे साधुचे शब्द गाड़े परोपकारालांगी यानी इसी तरीके से साधु के अल्फाज होते हैं जो परोपकार की जबान बोलते हैं। फनस सर्वांगी कांटावले, भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगे परियों से। फनस के हर तरफ कांटे लगे होते हैं लेकिन अंदर बहुत ही मीठा फल होता है। तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगी परियों से। और इसी तरीके से साधु का हृदय यानी दिल भी होता है जो हमेशा अंदर से नर्म होता है ऊपर से सख्त होने के बावजूद। नारण कठिन दिसे बाहर, भीतरी खोबरे अरुवर, तैसे साधुंचे अंतर बोधे वो संडले। नारियल बहुत कठिन दिखता है, सख्त दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से उसका नर्म और मज़ेदार खोपरा होता है। तैसे साधुंचे अंतर बोधे वो संडले। और इसी तरीके से साधु का भी जो पहरावा होता है, उसका जो बहरूप होता है वो भी वैसा ही होता है, लेकिन अंदर वो दिल से बहुत ही मुतमईन होते हैं। ऐसा सदगुरु शी धरा भाव, तो कैसा करा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोतियाम प्रति। ऐसा सदगुरु से आपने भाव रखना चाहिए और ये शेख मोहम्मद कहते हैं, और ऐसा ही कोई उपाय करना चाहिए और अपने श्रोता जो उनके सुनने वाले हैं उनको भी ये समझना चाहिए। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस संत वाणी को हम खुलासे के तरीक़े से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका खुलासा क्या है और कुछ मुश्किल अल्फाज है जिनके माने हम समझने की कोशिश करेंगे। केकती एक किस्म का फूल है जो जिसमें बहुत ही सुगंध होती है और बहुत ही खुशबू होती है। उसे वेड़े यानी घेर कर रखा है। भीतरी यानी अंदर की तरफ, निबजती जन्म लेने वाला, अंदर पैदा होने वाला। केवड़े का फूल होता है, खुशबूदार फूल, उसकी तरफ इशारा किया गया है। साधु एक यानी शरीफ आदमी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। गाढ़े यानी बहुत ही गहराई रखने वाली बात। परोपकारालांगी यानी दूसरों पर उपकार करना, एहसान करना। फनस एक किस्म का फल होता है। सर्वांगी यानी हर तरफ, कांटावले जहाँ पर कांटों से भरा हुआ होता है। गोड़ी यानी मीठे, कोंदले यानी पूरी तरीके से भरा हुआ। साबु हृदय यानी साधु का दिल और अंदर से जो अंतर मन होता है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बोध संगे यानी उपदेश देने वाला, बात करने वाला, समझाने वाला। वो सड़ले यानी भर कर बहना। सदगुरु यानी अच्छे बात रखने वाला गुरु। भावना यानी आपका एहसास कैसा है। श्रोतियाँ प्रति
यानी जो लोग सुनने वाले हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब हम समझेंगे कि इस नज़्म को जो असल मतलब है वो किस तरीक़े से बयान किया गया है। एक साधु का दिल कैसा होता है, वही चीज़ इसमें बयान करने की कोशिश की गई है कि जिस तरीक़े से साधु का दिल जो है बहुत ही नरम होता है, इसे मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए पेश करने की कोशिश की गई है। जो इसमें पेश करने की कोशिश की गई मिसालें हैं, सबसे पहली मिसाल केतकी के दरख्त की है, जिसको जो कांटों से भरा होता है और उसके बीच में दरमियान में केवड़े का फूल होता है। उसी तरीके से दूसरी मिसाल दी गई है फनस की, और फनस भी ये हर तरफ उसके ऊपर की तरफ कांटे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही मीठा फल होता है। इसी तरीके से साधु का दिल भी बहुत ज़्यादा नर्म होता है और मिठास से भरा होता है, और उसके दिल में लोगों के लिए अच्छे भावना होती है। नारियल जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आता है लेकिन अंदर से वो नाजुक होता है, और अंदर पानी भी होता है और खोपरा भी होता है, नरम मुलायम, और उस खोपरे का इस्तेमाल हम करते हैं, हम खाते हैं। इसी तरीके से जो श्रोते हैं, जो साधु की बात सुनने वाले हैं, वो साधु की बातों को मुश्किल समझते हैं लेकिन साधु उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। हालांकि उनके दिल में भक्ति भाव होता है लेकिन साधु ऊपर से सख्त नज़र आने के बावजूद अपने दिल में बहुत ही मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और लोगों की भलाई का काम करते हैं। यही चीज़ शेख मोहम्मद ने बोलने की इस नज़्म में कोशिश की है। उम्मीद है कि ये संत वाणी आपको पसंद आई होगी। आप इसे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, और हम अगली संत वाणी के साथ अगले वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।